Hello students, this is the 16th lecture of electronic measurement 1. In this session we will discuss about torque equation and errors in moving iron instrument. तो आइए सबसे पहले torque equation का derivation देखते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि moving iron instrument में जो coil के अंदर जो magnetic field होता है या फिर जो inductance होता है उसके अंदर variation आता है, उसके अंदर जो है continuous change आता रहता है due to rotation of vane. तो उसके वजह से होता क्या है कि हमारा जो कॉइल का एनर्जी है वो कंटिन्यूसली वैरी करता रहता है. इस कंडीशन पर वेन का जो रोटेशन का होने का कंडीशन ये है कि वेन ऑल द टाइम जो है वो लो रिलक्टेंस पाथ को ऑक्यूपाई करना चाहता है. ओके, और प्रीवियसली हम लोग जो पहले से जानते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है वो रिलक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो अब यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस है, उसको हम लोग देखते हैं कि इनिशियल करंट I है, L जो है इंडक्टेंस है, थीटा इज़ द डिफ्लेक्शन, DI इज़ द इंक्रीज इन करंट, स्मॉल इंक्रीज इन करंट, एंड d थीटा इज़ चेंज इन डिफ्लेक्शन एंड DL इज़ द चेंज इन इंडक्टेंस. और पॉइंटर के डिफ्लेक्शन की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उसको हम लोग TD कहते हैं. तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वर्क डन होता है वो जो है TD इंटू d थीटा होता है. ओके, जो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर होता है कॉइल में वो होता है हाफ LI². बट ड्यू टू चेंज इन करंट, इंडक्टेंस चेंज होता है तो यहाँ पर करंट में भी चेंजेस आते हैं. तो स्मॉल चेंज इन करंट क्या होता है कि DL में भी तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी के अंदर भी चेंज आता है. एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि इंडक्टेंस चेंज होता है तो करंट चेंज होता है, और करंट चेंज होता है तो एनर्जी भी चेंज होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि नया जो फाइनल एनर्जी जो आता है तो उसका वैल्यू जो होता है हाफ इंटू L प्लस DL प्लस इंटू I प्लस DL का होल स्क्वायर. ये वैल्यू जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल होता है. तो फाइनल जो टोटल एनर्जी इन कॉइल होता है या फिर चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कॉइल हो जाता है वो क्या हो जाता है, फाइनल स्टोर्ड एनर्जी माइनस इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी. हम चेंज के हैं या फिर टोटल के हैं तो ये फाइनली बचता है. तो ये वैल्यू जो है फाइनल स्टोर्ड एनर्जी का जो वैल्यू होता है इससे हम लोग जो है इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं. तो उस कंडीशन पर जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आता है वो ये कैलकुलेशन आता है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाफ LI² प्लस 2LI DI प्लस DL DI² प्लस DL I² प्लस 2I DI L DL प्लस DL DI² माइनस I² L. तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाता है. और यहाँ पर आप लोग कुछ टर्म्स में देख रहे होंगे कि डिफरेंशियल टर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म्स है, दिस इज़ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म्स है, और एक ये हायर ऑर्डर है. तो ये इन सारे वैल्यूज़ का जो मतलब वैल्यू होगा, क्वांटिटीज़ का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा. ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते. तो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो बचता है LI DI प्लस हाफ DL I². दिस इज़ द इक्वेशन 2. यही आपका जो है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल होगा. ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योंकि करंट में चेंज आ रहा है और इंडक्टेंस में चेंज आ रहा है और हमारा जो तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा ये कॉइल का जो EMF होगा उसमें भी वेरिएशन होगा. जनरली कॉइल का EMF का जो वैल्यू होता है वो ये वैल्यू होता है जब सिर्फ करंट में चेंज आता है. ओके, इंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पर जो है इंडक्टेंस में भी वैरी हो रहा है. इसीलिए जो है हमारा EMF का वैल्यू किससे होता है कि V = DL I/dt / dt. यहाँ पर जो है दोनों के साथ हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. L को, इंडक्टेंस को और टाइम को, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो उसके बाद जो है फाइनल कैलकुलेशन आता है IDL/dt प्लस LDI/dt. ओके, अब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स जो होता है वो होता है VI/dt. तो इस यहाँ से हम लोगों को V का वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है तो उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो है कि DT को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर इंटू DT पहले से था तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल कैलकुलेशन मेरा जो आता है वो क्या होता है I² DL प्लस LI DI. ओके अब हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई करते हैं हम लोग सब सोर्स से वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल, जो भी हमारे कॉइल में एनर्जी स्टोर है ओके, और जो मैकेनिकल वर्क डन होता है ड्यू टू डिफ्लेक्शन, तो उसके वजह से वो दोनों इक्वल हो जाता है आपस में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिस इज़ द स्टोर्ड एनर्जी, सॉरी दिस इज़ द सप्लाइड एनर्जी एंड दिस इज़ द स्टोर्ड एनर्जी इन कॉइल एंड दिस इज़ द डिफ्लेक्शन मैकेनिकल वर्क डन, सॉरी दिस इज़ द मैकेनिकल वर्क डन ड्यू टू डिफ्लेक्शन ओके। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आता है इसको कैलकुलेट करने पर कि टी डी थीटा इज इक्वल टू हाफ डी एल आई स्क्वायर आता है, हाफ डी एल आई स्क्वायर आता है, क्योंकि ये और ये आपस में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म्स जो है आपस में कैलकुलेट करने के बाद टी डी इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पर टी डी इक्वल्स टू हाफ डी एल आई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी थीटा, ये वैल्यू आपका आ जाता है टी डी का वैल्यू ओके। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मूविंग आयरन का एक वैल्यू आता है टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा ओके। अब जो है मूविंग आयरन के साथ एक कंट्रोलिंग टॉर्क भी वर्क करता है, स्प्रिंग टॉर्क का, स्प्रिंग के वजह से वहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग जो होता है जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है, तो उसका जो वैल्यू होता है टी सी इज इक्वल टू के थीटा एज इन पी एम एम सी, जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क पी एम एम सी में था कि टी सी इज इक्वल टू के थीटा था, वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा। यहाँ जो है के इज इक्वल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन नीडल और पॉइंटर ओके। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब हमारा जो है कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क दोनों इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा कि हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू के थीटा एंड आफ्टर कैलकुलेशन थीटा का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है हाफ आई स्क्वायर बाई के डी एल बाई डी थीटा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओके। एंड डी एल का जो वैल्यू आता है इसको हम लोग इक्वेशन 3 अज्यूम करते हैं, एंड डी एल का जो वैल्यू आता है तो इसको हम लोग डी एल को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2k थीटा डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर ओके। और फर्दर कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोग दिस इज़ द रिलेशन ऑफ थीटा एंड ये थी डिफ्लेक्शन आप लोगों का आता है जब आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट और थीटा और एल का जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आप लोगों का डिफ्लेक्शन आता है। बट आफ्टर हम लोग जो है उसके बाद जो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर से देखते हैं कि हम लोग स्केल को नॉन यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं ओके। तो यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं तो डीएल का जो वैल्यू आता है वो ये कैलकुलेट होके आता है, और आई को हम लोगों को पता है कि थीटा इस इक्वेशन से, इक्वेशन 3 से देखेंगे तो थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और थीटा को अगर हम लोग इक्वल करना चाहेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा सी आई स्क्वायर का एक वैल्यू आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सी आई स्क्वायर। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर आई को एलिमिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा कि इस इक्वेशन के बाद इस इक्वेशन में देखिएगा कि डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2k थीटा डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, उसके बाद हम लोग देखते हैं डी एल बाई डी थीटा 2k थीटा बाई सी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्योंकि थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और आई इस प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं सी थीटा, तो सी थीटा इज इक्वल टू आई, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी थीटा का होल स्क्वायर ओके। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन के बाद ये थीटा यहाँ पर से एक थीटा और एक थीटा कैंसिल हो जाता है और एक थीटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, तो जो थीटा डी एल बाई डी थीटा हो जाता है वो क्या हो जाता है इक्वल्स टू 2k बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये सारा वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू का स्प्रिंग कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट ही है और सी को हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है। तो इससे हम लोगों को इक्वेशन 4 से ये कंसिडरेशन आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जो हमारा स्केल होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग थीटा का वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, लीनियरिटी का मतलब हो गया कि ज़ीरो से इनफाइनाइट तक जो है मतलब विथ लीनियर या फिर यूनिफॉर्मली डिवीज़न के साथ जो है जाएगा, ज़ीरो से इनिशियल पॉइंट से वो मतलब इनफाइनाइट तक, कोई फाइनाइट वैल्यू तक। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग थीटा को ज़ीरो रखते हैं तो dl बाई डी थीटा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि हो नहीं सकता। तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं कि 1/10 जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस रेंज को थीटा रखते हैं, मतलब लीनियर रखते हैं, और फर्दर उसके बाद जो भी डिफ्लेक्शन आता है उसको हम लोग जो है नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ से देख सकते हैं कि 1/10 तक जो है थीटा को dl बाई डी थीटा एक लीनियर ग्राफ बना रहा है। एंड आफ्टर डैट जो है वो एक हाइपरबोला को जनरेट कर रहा है। इस इक्वेशन से हम लोग जो है इस ग्राफ से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि आफ्टर सम मतलब 1/10 वैल्यू के बाद जो है स्केल के रेंज के बाद जो है हमारा स्केल जो है क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल दैट मीन्स के PMMC एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर है कि कॉइल डिफरेंस हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंपैरिजन है कि मूविंग कॉइल में कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, बट मूविंग आयरन में सॉफ्ट आयरन जो मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। यहाँ पर जो है मूविंग आयरन में जो हमारा कॉइल होता है वो स्टेशनरी होता है। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है मूविंग कॉइल में थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बट यहाँ पर होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू I² होता है। ओके, नेक्स्ट है कि डैम्पिंग जो होता है एडी करंट की वजह से होता है, बट यहाँ पर एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि न्यूमैटिक डैम्पिंग यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और ये होता है ग्रेविटी कंट्रोल, क्योंकि हम लोग कभी कभी यहाँ पर वेट का भी यूज़ करते हैं, वेट एज अ कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है, और इसमें भी क्या होता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। मूविंग कॉइल में क्या होता है, स्केल यूनिफॉर्म होता है, और MI में नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ओके, मूविंग कॉइल थोड़ा डेलिकेट होता है, सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट होता है, और ये होता है रोबस्ट होता है, रीजनेबल एक्यूरेट, मतलब कि ना ज़्यादा एरर प्रोवाइड कराता है और ना ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है कि मूविंग कॉइल जो है वो कॉस्टली होता है, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो चीप होता है। ओके, मूविंग कॉइल में लो पावर कंजम्पशन होता है और मूविंग आयरन में पावर कंजम्पशन हाई होता है। मूविंग कॉइल DC में वर्क करता है और मूविंग आयरन AC और DC दोनों में वर्क करता है। मूविंग कॉइल जो है वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ओम मीटर की तरह यूज़ किया जा सकता है, बट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एरर्स इन MI। तो यहाँ पर जो एरर होता है वो AC और DC वर्क में एक आता है और एक सिर्फ आता है AC वर्क में। AC वर्क में अलग एरर जनरेट होता है और AC और DC वर्क में एक अलग जनरेट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसको जो बाइफरकेट किया गया है या डिवाइड जो किया गया है वो कॉमनली देखा गया कि कुछ एरर्स जो है सिर्फ AC में अगर हम लोग वर्क करते तो सिर्फ AC में आता है, और कुछ एरर्स जो है AC और DC दोनों में आता है। तो उस तरह से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहला हिस्टेरिसिस एरर है। हिस्टेरिसिस एरर जो है MI इंस्ट्रूमेंट में DC सर्किट में होता है, और इस कंडीशन में क्या आता है कि हायर करेंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, रीडिंग हाई होता है। ओके, और उससे क्या, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है मोमेंटल नाम का एक मटेरियल होता है जिसका हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो काफ़ी लो होता है और परमिएबिलिटी जो है वो हाई होता है। ओके, और ये जो है लो रेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज़ में भी प्रॉपरली वर्क करता है। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, कि रीडिंग हायर हो जाता है जब करंट रीडिंग हाई होता है जब करंट इंक्रीज़ होता है। ओके, उसके बाद हमारा जो है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का जो है सीरियस एरर है। स्ट्रे का मतलब एक तरह समझ लीजिए कि ये पैरासिटिक है, मतलब पैरासाइट की तरह वर्क करता है। ओके, इस टाइप का जो एरर जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वीकनेस की वजह से, जब हमारा वीक हो जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मूवमेंट को एक आयरन केस में या फिर किसी आयरन के शील्ड से हम लोग क्या करें, उसको इनक्लोज कर दें। ठीक है, दूसरा है टेम्परेचर एरर। तो टेम्परेचर एरर कब आता है कि हमारा जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है उसका स्टिफनेस जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा एरर जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एरर। तो फ्रिक्शन एरर जो है मूविंग पार्ट के में फ्रिक्शन की वजह से होता है, जिसको हम लोग एवॉइड कर सकते हैं टॉर्क वेट रेशियो को हाई रख करके। जो हम लोग ग्रेविटी वेट रखते हैं तो उसका जो रेशियो होता है टॉर्क और वेट का रेशियो, अगर हम लोग हाई रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है एरर विथ एसी वर्क ऑनली। जब हम लोग एसी सर्किट पर वर्क करते हैं तो सिर्फ जो एरर एसी सर्किट पर आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी एरर होता है। तो फ्रीक्वेंसी एरर जो है फ्रीक्वेंसी के चेंज की वजह से होता है। ओके, जब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है तो रिएक्टेंस चेंज होगा कॉइल का। ओके, जिसकी वजह से एडी करंट भी चेंज होगा और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसके वजह से एरर यहाँ पर जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट है एरर ड्यू टू रिएक्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉइल। तो यहाँ पर कॉइल का रिएक्टेंस जो चेंज होता है तो यहाँ इसके वजह से भी क्या होता है कि सीरियस एरर आता है इन द केस ऑफ वोल्ट मीटर, जब हम लोग वोल्ट मीटर में इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है कि एडी करंट का जो एरर होता है, तो एडी करंट दोनों एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों में इफेक्ट डालता है इक्वली, और इसका जो है इसको जो है दोनों वोल्ट मीटर और एम मीटर दोनों में इफेक्ट डालता है। और इसका जो है फ्रीक्वेंसी एरर को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं कैपेसिटर सी लगा करके। ठीक है, पैरेलल में स्वैम्पिंग रेजिस्टर के पैरेलल में जो है कैपेसिटर सी लगा करके हम लोग इसको कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरर ड्यू टू वेव फॉर्म। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट जो है सीरियसली इफेक्ट हो सकता है वेव फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वेव फॉर्म की वजह से अगर इसमें वेरिएशन आता है तो वो फ्लक्स के वेव फॉर्म की वजह से भी आ सकता है, और दूसरा जो है इसमें पहला जो इसमें वेव फॉर्म की वजह से जो इसमें इफेक्ट आता है वो बोथ एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों केस में आता है जब फ्लक्स का वेव फॉर्म जो है वो चेंज होता है। ओके, और दूसरा जो है सिर्फ वोल्ट मीटर के केस में जो आता है तो जब हार्मोनिक्स जो होता है इंडक्टेंस के हार्मोनिक्स जो जनरेट होता है उसके वजह से एरर आता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट एरर ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट एंड कंपैरिजन एंड टॉर्क इक्वेशन। ओके, तो इन दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।